आज हम गाजियाबाद के इम्पीरियल होटल में हैं, जहां पर एक समाजवादी पार्टी का बहुत विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मनोज यादव जी हैं। आइए बात करते हैं मनोज पंडित जी से कि किस वजह से ये सम्मेलन का आयोजन किया गया। मनोज जी, ये जो सम्मेलन आपने आयोजित किया है समाजवादी पार्टी का, क्या क्या उद्देश्य है, क्या इसका मतलब? आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी के आह्वान पर आज पूरे उत्तर प्रदेश में 95 जिलों में जो हमारे पार्टी के सक्रिय सदस्य बने हैं उनको लेकर पूरे 95 लगभग जिले उत्तर प्रदेश में आज ही के दिन सब जगह सम्मेलन हो रहा है। और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये है समाजवादी पार्टी को मजबूत करना और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी के सक्रिय सदस्य बनाना। जो सक्रिय सदस्यता बनते हैं हमारे पार्टी के, उससे वो डेलीगेट होते हैं और आने वाले 23 तारीख को राष्ट्रीय सम्मेलन है, उसमें उसे वोट डालने का अधिकार होता है। जो डेलीगेट हमारे बनते हैं सक्रिय सदस्य, उसके द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। आपका सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसमें जो बैनर लगाए गए हैं उस पर से पार्टी के दिग्गज माने जाने वाले शिवपाल सिंह यादव जी और आजम खान जी का पोस्टर हटा दिया गया है, उसके पीछे क्या कारण है? उसका कोई कारण नहीं है, ये जिसने बैनर बनवाया शायद उससे मिस्टेक हो गई है। बाकी पार्टी के सर्वोपरि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं, जो वहाँ से दिशा निर्देश होता है उस पर काम किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सक्रिय सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, बस समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्यों को लेकर एक सम्मेलन जिला स्तरीय और महानगर स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य अभिषेक गर्ग जी हैं। आइए जानते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सर, ये आपने आज कार्यक्रम का आयोजन किया है, क्या उद्देश्य है, क्या इसका? ये आयोजन समाजवादी पार्टी शीर्ष नेतृत्व के आदेशानुसार समस्त उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो सक्रिय सदस्य है समाजवादी पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान जो सक्रिय सदस्य बनाए गए हैं उनका सक्रिय सदस्यों का यह सम्मेलन जिला व महानगर स्तर पर उत्तर प्रदेश के हर जिले में आज आयोजित किया गया है। यह सदस्यता अभियान पूर्ण होने के पश्चात यह पहला सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन है और इस सम्मेलन के अंदर वर्तमान की जो उत्तर प्रदेश जिस तरह से जल रहा है, जिस तरह से कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, जिस तरह से जन समस्याएं लगातार मुँहफाड़ कर बढ़ रही हैं और प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल है, इन सब परिस्थितियों के मद्देनज़र यह सम्मेलन आज बुलाया गया है और आगे की रणनीति के ऊपर से विचार विमर्श इस सम्मेलन के माध्यम से रहा है। जैसा कि बताया गया है कि 23 तारीख को जो अखिलेश यादव जी हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव भी होना है और उसको लेकर ये सम्मेलन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, तो उसमें आपके जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वो हर समाजवादी के दिल में रग रग में बसते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसके चुनाव के मद्देनज़र वाली बात जो आपने कही, मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हर समाजवादी के रग रग में बसते हैं, हर समाजवादी के प्रिय नेता हैं और पूरी तरह से पूर्ण रूप से मान्य हैं। अच्छा सर, एक समाजवादी पार्टी में आजम खान जी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और शिवपाल सिंह जी भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन आज बैनरों पर उनकी फ़ोटो नहीं है, कहीं ना कहीं उन्होंने बैनरों से भी हटा दिया गया, तो क्या ये संदेश है कि अब उनका पार्टी में वर्चस्व खतरे में है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये आपका देखने का नज़रिया है, ऐसा नहीं है। नहीं तो ये उनकी जो फोटो एकदम आप देख सकते हैं कि बैनरों से उनको बिल्कुल हटा दिया गया है, तो ये इस क्या क्या कारण है? नहीं, ऐसा 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 आपको महसूस हो रहा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है पर ऐसा है नहीं जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अग्रवाल जी ने बताया कि ये पार्टी का सक्रिय सदस्यता अभियान है, जिसमें सक्रिय सदस्यों को लेकर उनकी सक्रियता के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही जब उनसे सवाल किया गया कि पार्टी के बैनरों से आजम खान जी और शिवपाल सिंह जी की फ़ोटो हटी हुई है, फ़ोटो नहीं है, तो उस पर उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया है और उससे वो बचते हुए नजर आए हैं। कैमरामैन मोहित के साथ गौरव यादव, नेशन टाइम।